खबर रीवा से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। मुख्यमंत्री तहसील मुख्यालय सिरमौर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। समारोह में मुख्यमंत्री मंच से विभिन्न हितग्राहियों को 6 करोड़ 34 लाख रुपयों के हितलाभ का वितरण भी किया। उक्त कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया, जहां 157 करोड़ 58 लाख रुपयों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को सौगात दिया है। इसमें UIDSSMT योजना के तहत 11 करोड़ 10 लाख रुपयों की सिरमौर जल आवर्धन योजना तथा 8 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बैकुंठपुर नगर परिषद की जल आवर्धन योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान पनवार से डभौरा मार्ग का भी लोकार्पण किए हैं। इसका निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा 21 करोड़ 82 लाख रुपयों की लागत से कराया गया है, जिससे दूरस्थ तराई अंचल में आवागमन सुगम हुआ है। समारोह में नवनिर्मित रीवा सिरमौर रोड का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इसकी कुल लंबाई 36.71 किलोमीटर है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की विंग ने 115 करोड़ 28 लाख रुपयों की लागत से कराया है। समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 64 करोड़ 9 लाख रुपयों की लागत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करके शुभारंभ किया। इन कार्यों में नगर परिषद सिरमौर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना की मद से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की सड़क का निर्माण और 50 लाख रुपयों की लागत से स्वीकृत ITI भवन का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री शासकीय महाविद्यालय नष्टी गवा में 6 करोड़ 17 लाख रुपयों की लागत से मंजूर महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन किए। समारोह में सिरमौर से क्योंटी मार्ग का भी भूमि पूजन किया गया। इसका निर्माण 23 करोड़ 40 लाख रुपयों की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 33 करोड़ की लागत की समूह नल जल योजना का निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री नगर परिषद सिरमौर और डभौरा में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास की मद से 1 करोड़ 13 लाख 46 हजार रुपए के 2 सड़क निर्माणों का भी भूमि पूजन किए हैं। गिरे ना, बाद में पहुंचा देना उनको। बेटी का बेटी को तिलक माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सबको संदेश देता हुआ और पूरे भारतवर्ष में इसी नारे का और इसी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये योजना ये क्रियान्वयन मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और आज पूरे भारतवर्ष में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। कहाँ बने जिले का पूरे जिले का रखा हुआ है। बिक जाती है सारी।